हर तरह। बेटा मैं चाहती हूँ कि जिस तारीख पे फरी की शादी होने वाली थी उसी तारीख पे ये शादी हो जाए। फरी रुको बेटा बात। अमीना खाला मैंने आपको मना किया था ना, मैंने हसन से शादी नहीं करनी, फिर भी आप इसे लेके आ गई हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं करनी मेरी शादी। मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक, मुझे तौफीक दे कि मैं इन मुश्किल हालात का सामना कर सकूं। मुझे हिम्मत दे। वैसे अच्छा ही हो गया कि हमें बर वक्त सब कुछ पता चल गया। बेटा सिर्फ सोचे समझे परखे बगैर राय कायम नहीं करते। क्या सोच रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं, हसन के बारे में सोच रही हो ना? अम्मी हसन कितना बदल गया है। सूरत के साथ साथ माशाल्लाह उसकी हैसियत भी बहुत बेहतर हो गई। जी अम्मी। काश तुम इतनी जिद्दी और जज्बाती ना होती, और काश मैं तुम्हारी हर जिद के आगे इतनी जल्दी सर न झुका। अम्मी आपने खाला जी से बात की? की है, लेकिन हसन का मानना मुझे मुश्किल लग रहा है। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हारे रवैये से वो बहुत हर्ट हुआ है। वो अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता। अम्मी मैं उसे समझा लूंगी। पहले तुम अपने आप को तो समझाओ बेटा। जब तक अपने अंदर तब्दीली नहीं लाओगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। आज उसे सॉरी कहोगी कल फिर यही हंगामा खड़ा कर दोगी तो क्या फायदा? कितना बेहतरीन रिश्ता था, कितना अच्छा लड़का, अगर तुमने अपनी नादानी में उसे गंवा दिया, अल्लाह जाने ये हीरा किसके नसीब में है। फिक्र ना करें, ये हीरा मेरे नसीब में है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। खाला जान कुछ चाहिए था आपको? नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या कर रही हो? मैं नरगिसी कोफ्ते बना रही हूँ, अम्मी जी का दिल चाह रहा था इसलिए। अच्छा तुम्हें कोफ्ते बनाने आते? जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तकरीबन सब कुछ पका लेती हूँ। वो अम्मी जॉब पे जाती थी ना तो खाने की जिम्मेदारी मेरी थी। तुम्हें कुकिंग करती हो या फरी भी करती है? अरे नहीं वो भी करती है, लेकिन आजकल कमरे में मैं दिन रात बोर हो जाती हूँ ना तो मैंने कहा खाना मैं पका लिया करूंगी। अच्छा चलो तुम अपना काम करो, मैं जरा समीना से मिलूं। बहू चाय तैयार है। ये चाय क्यों अच्छी नहीं है? नहीं नहीं बहुत अच्छी है, मेरी अम्मी भी बिल्कुल ऐसी ही चाय बनाती है। वहीं से मंगवाई है। अम्मी ब्रुकबॉर्न सुप्रीम, जायका अपने पन का। लो ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। हाफ टाइम में दाग निकलेंगे वो भी सिर्फ 10 रुपए में सर्फ एक्सेल। समीना मैंने हसन से बात की थी लेकिन उसने कोई वाजिया जवाब नहीं दिया। कहता है कि मैं बहुत सोच समझ कर फैसला करूंगा। वैसे एक बात तो बताओ, फरिया ने शादी से इनकार कर दिया था फिर अचानक कैसे उसने अपना फैसला बदल लिया? अमीना बच्ची है ना समझे, जज्बात में आके कह दिया था, अब पछता रही है अपनी बात। वैसे तो मैं उसे शादी के लिए राजी कर लूंगी अगर तुम फरिया। हाँ हाँ फरी को मैं समझाऊंगी उसे, वो अपने आप को बदलेगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुमने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी समीना, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि हसन शादी पर राजी होगा अगर तुम फ्रिया के बजाय
मेहरबानों का रिश्ता दे दो। हाँ अफसोस होता है। मजीद अरे बेटा थैंक यू। लो बेटा थैंक यू। तुम्हें कोफ्ते कैसे लगे? तुमने बताया नहीं। तुम्हारी तरह तीखे। मजाक नहीं करो सच बताओ। नहीं अच्छे थे बहुत अच्छे। अच्छे तो बनेंगे। मैंने पूरा दिन किचन में खड़े होके तुम्हारे लिए इतने प्यार से ये बनाया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोफ्ते फरिया ने नहीं पकाए थे? अरे बेटा छोड़ो इन बातों को। वो तुम्हारी खाला ने फिर बात की है शादी की। अगर तुम चाहो तो उसी तारीख में कर लेते हैं। अम्मी मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी ना फरिया से ना किसी और से। बेटा तुम अभी तक फरी की बातों को दिल पे लगा के बैठे हो। एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि सख्त हालात में ये किस तरह से रिएक्ट करती है। परखना चाहता हूँ कि जिस तरह से उस दिन इसने बिहेव किया था वो वाकई सदमे की वजह से होश खो बैठी थी या फिर ये इसकी आदत है। अम्मी प्लीज आप इस तरह से रिएक्ट मत कीजिए। आप अगर इस तरह से उदास होंगी तो आपकी खुशी की खातिर जब आप बोलेंगी मैं शादी कर लूंगा फरिया से। अरे नहीं बेटा ये तुम्हारी सारी जिंदगी का सवाल है। तुम सोच समझकर फैसला करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी खुशी की खातिर मैं तुम्हारी सारी जिंदगी दांव पे लगा दूं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आई लव यू। तुम खुश रहो बेटा। चलो चाय पी लो ठंडी हो जाएगी। फिर तुम इतने अजनबी अजनबी से क्यों रहते हो? पहले जैसे क्यों नहीं रहे? क्योंकि फरिया कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। कुछ हो ना हो मुझे पता है मैं वही हूँ और तुम भी वही हो। तो फिर इतने फासले क्यों हैं? वक्त वक्त फासले बढ़ा देता है फरिया। फासले घटाए भी तो जा सकते हैं अगर तुम चाहो। लेकिन कुछ फैसले ऊपर वाले ने भी तो करने हैं। और वैसे भाभी आप क्या कर रही हैं यहाँ? बेदहानी में आ गई। बेदहानी में तो आप सारे काम करती हैं। बेदहानी में आपने रूम से निकल आती हैं और बेदहानी में आप ये भी भूल जाती हैं कि अभी आपकी इद्दत तक पूरी नहीं हुई है। सॉरी। मैं जाऊं जाके तैयार हूं मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन हसन मैं वो देखो हर वक्त मेहरबानों की बातें करता रहता है। मतलब कि जैसे आप लोगों ने ना उसकी तस्वीर बना ली हो। फरिया और खाला जान की इन आदतों से आप पहले वाकिफ नहीं थी? नहीं बेटा वो पहले ऐसी नहीं थी। ये बदलाव तो मैं अब उसमें देख रही हूँ। सब्र करो बेटा तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। खाला रफ्ता रफ्ता मेरी सब हिम्मतें खत्म हो रही हैं। पहले अम्मी फिर उमर फिर अब कोई भी नहीं रहा है। कोई भी नहीं है। अल्लाह तो है ना बेटा वो सब देख रहा है।
देखना उसने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। क्या के लिए शिकवे हो रहे हैं भाई? अरे समीना, गिले शिकवे क्या होने हैं? अरे ये बेचारी तो अपने बारे में बता रही है। हाँ भाई, क्यों नहीं, सबसे बड़ी बेचारी तो यही है। अच्छा अमीना, आओ जरा, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मुझसे? हाँ हाँ, तुमसे। आओ। अच्छा खाला, ये चुप चुप क्यों लग रही है, क्या सोच रही है? बेटा सोच रही हूँ कि गांव वाला घर काफी दिनों से बंद पड़ा है, बहुत गंजमा हो गया होगा। अब हसन को फुर्सत मिले तो मुझे वो वहाँ छोड़कर आए। लेकिन आप लोग तो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं ना? हाँ, ये घर भी अपना ही होगा, मगर मेरे लिए तो पहले वही वाला घर है ना, वही हमारी बुनियाद है। और फिर हमारी जमीनें भी तो हैं वहाँ पर, जमीनों से तो रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। खाला वैसे आप लोग यहाँ शिफ्ट हो ही रहे हैं तो उस घर को बेच दें, यहाँ एक अच्छा सा घर ले लें। वैसे भी हसन इतनी तरक्की कर रहा है माशाल्लाह से, तो अच्छा नहीं लगता है ना कि वो इतने बैकवर्ड से इलाके में जाके रहे, क्या दुख बनता है? अरे नहीं बेटा, हसन वहीं पैदा हुआ, वहीं पला भरा, वहीं उसकी तालीम हुई, वो हसन की पहचान है और इंसान को अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए। सब कुछ बहुत ही पुरानी बातें। अच्छा छोड़े, रात के खाने में क्या खाएंगे आप, क्या बनाऊं? तुम बनाओगी? हाँ तो और कौन बनाता है, मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, वो मैंने कभी तुम्हें किचन में काम करते नहीं देखा ना, हमेशा मेहरबानो ही करती है। मेहरबानो 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 मेहरबानो, जिसको देखो हर वक्त मेहरबानों की बातें करता रहता है, मतलब कि जैसे आप लोगों ने ना उसकी तस्वीर बना ली हो। और भी बहुत कुछ है इस दुनिया में करने को, भाई की तरह ना आप लोगों भी इसमें कुछ घोल के पिला दिया, पता नहीं क्या जादू कर दिया, जादू करनी ना हो तो। बेदहानी में तो आप सारे काम करती हैं, बेदहानी में आपने रूम से निकल आती हैं, और बेदहानी में आप ये भी भूल जाती हैं कि अभी आपकी इद्दत तक पूरी नहीं हुई है। मेहरबानो, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने खाना भी नहीं खाया? जी वो दिल नहीं जा रहा। देखो बेटा, अब ये सब कुछ तुमने ही देखना है, तुम्हारे ही दम से समीना में हिम्मत है, तुम इस तरह उदास मत बैठा करो। फरिया को तो तुम जानती हो कि वो कितनी लापरवाह है, माँ के दुख को वो नहीं समझ पाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो उम्र की माँ है ना। अम्मी। जी बेटा। बात सुनिएगा, अम्मी ये वो 10,000 रुपए खाला को दे दीजिए, खर्चे के काम आएंगे। ठीक है बेटा, मेरे लिए खाना लगवा दी। नहीं नहीं, भूख नहीं है मुझे। हसन था। यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? चल के हम दोनों खाना खाते हैं, हसन ने तो मना कर दिया। चलो आ जाओ, आ जाओ। शाबाश। Thank you.
बहुत हो गया अम्मी, मेरा दम घुट रहा है, बस जैसे ही सुबह होती है चलें बस। लेकिन बेटा हुआ क्या है ये तो बताओ। क्या बताऊं, सुबह मैं और फरिया बाहर खड़े बातें कर रहे थे, अचानक से भाभी बेख्याली में वहां पे आ गई। फरिया ने ऐसी उन्हें बातें सुनाई है कि मैं बता नहीं सकता। तो तुमने रोका नहीं? उस वक्त मैंने सोचा कि इनके घर का मामला है, मैं क्या बोलूं, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मुझे बोलना चाहिए था। तो अब आए, इस लड़की की जुबान कितनी लंबी है, कुंवारी लड़की को इस किस्म की बातें करते शर्म आनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो फैसला आप करने जा रही थी वो हुआ नहीं, वरना हम दोनों को ना करदा गुनाह की सजा मिलती। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो हमारी नीयतें जानता है, इसलिए हमने गलत फैसला करने से रोक दिया। समझ में नहीं आता, मैं ये सोचता हूँ कि हमारे सामने ये इतनी बदतमीजी करती है, हमारी गैर मौजूदगी में किस किस्म की जबान इस्तेमाल करती होगी। अरे बेटा, और तो और समीना का भी रवैया बड़ा अजीब है। आज मैं मेहरबानों के साथ बैठ के बातें कर रही थी, अरे वो बेचारी अपने बारे में और अपने माँ बाप के बारे में बता रही थी। और तुम्हें पता, माशाल्लाह उसने बीए पास किया हुआ। चलिए तो अच्छी बात है। तो समीना वहां आ गई और आते ही कहने लगी कि ये तुम लोग आपस में क्या गिले शिकवे कर रहे हो, और उस बेचारी को इतनी हकारत के साथ बुरा भला कहा और मुझे उठाकर जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई। एक बात बताइए मुझे, फरिया और खाला जान की इन आदतों से आप पहले वाकिफ नहीं थी? नहीं बेटा, वो पहले ऐसी नहीं थी, ये बदलाव तो मैं अब उसमें देख रही हूँ। हम बहनों में कोई भी फर्क नहीं था। मुझे वाकई समझ में नहीं आता कि लोग इतनी नफरत दिल में रखे कैसे जिंदा रहते हैं। समीना, मैंने रात हसन से बात की थी, वो भी काफी परेशान लग रहा था। क्या बात है? मुझे 2-3 हज़ार रुपए चाहिए। इस वक्त किस लिए चाहिए? देखा आपने खाला किस तरह ही कर रही है मेरे साथ, मैं अब कुछ मांग रही हूँ तो किसी वजह से मांग रही होंगी ना, शौक तो नहीं है मुझे, कुछ चीजें लेनी है मुझे। अरे समीना, बच्ची मांग रही है तो दे दो ना। क्या करूं अमीना, तंग आ गई हूं मैं इस लड़की से, ये कोई वक्त है पैसे मांगने का? मेरा बेटा जिंदा था, मेरे हाथ पे लाके तनख्वाह रखता था, तो मैं फखर से बांटती थी, खूब खर्च करती थी, अब क्या करूं, मेरे भी हाथ खाली। हाँ तो पहले भाई होते थे ना, तो मुझे कभी भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पेश आती थी, वो खुद ही लाके देते थे, अब तो मांगने से भी कुछ नहीं मिलता। समीना तुम भी ना, देखो बच्ची को उदास कर दिया, चलो बेटा मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। अरे अमीना, मेरा ये मतलब नहीं था। बस अमीना, ये हमारे आपस का मामला है, और हाँ आइंदा कभी भी मेरी बच्ची को किसी भी चीज के लिए मना मत करना। चलो खाला, मैं पर्स लेके आ जाती हूँ। अरे मेरा पर्स तो मेहरबानों के कमरे में ही रखा हुआ है, चलो आओ मैं तुम्हें पैसे दूँ। अनजान मन के हसन के सामने आती है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो, और हसन भी आंखें फोड़ फोड़ के उसे देख रहा था। वक्त और हालात पत्थर के इंसान को भी बदल देते हैं, और ये तो फिर भी खाला जान है, और हमेशा तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाहिए, मत भूलिए इस बात को। मेहरबानो जी। अरे बेटा, तुम्हारे कमरे में मैंने पर्स अपना छोड़ दिया था ना। जी मैंने ये रखा है। ये पड़ा था। लो भाई तुम्हारे पैसे। भाभी कभी आप बाहर भी आ जाया करें, अकेली रूम में बोर हो जाती होंगी ना। आ जाऊंगी। पैसे कहाँ गए? इसी में तो रखे थे। क्या हुआ खाला? अरे बेटा, मैंने इसमें पैसे रखे थे, नहीं है? पैसे रखे थे? लाए दिखाएं, मैं चेक करती हूँ। खाला इसमें तो वाकई पैसे नहीं है, आपने इसी में रखे थे ना? हाँ बेटा, मुझे हसन ने पैसे ला के दिए थे, और मेहरबानो मैंने तुम्हारे सामने ही तो पर्स में रखे थे पैसे। भाभी आपने तो देखा था खाला को पैसे पर्स में रखते हुए, आपने नोट नहीं किया, कहाँ गए? आपके अलावा और कोई आता भी तो नहीं है इस रूम में। क्या हुआ?
अम्मी अम्मी खाला के पैसे खो गए, चोरी हो गए। पैसे? पैसे कैसे नहीं मिल रहे? यहाँ आता कौन है इस घर में? हाँ देखें, खुद देखें, अभी हसन ने कल ही लाके दिए थे 10,000 रुपए। खुदा जाने कौन चोर बस गए इस घर में। मेहरबानो अच्छी तरह देखो, तुम्हारे कमरे से कैसे जा सकते हैं, चल के तो नहीं गए कहीं? जाओ ठीक से देखो। खाला आप मेरे साथ आए। आपने भाभी की हरकत देखी? हमारी चीजें चुराती ही चुराती थी, अब तो आपके पैसे भी चुराने शुरू हो गई हैं। वैसे सच पूछो ना अमीना, तो मैं तंग आ गई हूँ इससे, बल्कि मुझे तो डर लगने लगा है। फरी की शादी का जेवर भी घर में ही रखा है। छोटी मोटी चीजों तक तो खैर थी, मगर अब तो। अम्मी आप प्लीज उनका कुछ करें। मगर समीना तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि उसी ने उठाए हैं पैसे? खाला आखिर अब भी कोई शक की गुंजाइश है? और आपने खुद ही बोला था कि उन्होंने आपको देखा था पैसे रखते हुए अपने पर्स में। हाँ देख तो वो बड़ी अजीब नजरों से रही थी मुझे। अमीना खाला ये पैसे साइड टेबल की दराज से मिले, यही इनके ड्रामे। पहले खुद ही पैसे छुपाती हैं और फिर मिल भी जाते हैं। अब बताएं हमने अच्छी तरह हर जगह ढूंढे थे पैसे, हमें मिले, इनको कैसे मिल गए? अमीना मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं उस परेशानी के लिए जो तुम्हें मेरी बहू की वजह से हुई। अब तो उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए, उसकी गलती माफ कर दो। उमर भी उसकी इन हरकतों से बहुत जलता था, अक्सर उसकी चीजें छुपा देती थी और वो बेचारा कुड़ता रहता था। लेकिन समीना वो ऐसी लगती तो नहीं है। अब क्या कहूं तुमसे, तुम तो अपनी हो, लेकिन ये मेहरबानों मुझे कुछ नफसियाती लगती है। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप उसे समझा लें, या तो वो इस घर में रहेगी ना या मैं रहूंगी, वरना ना मैं अपने आप को मार लूंगी। ना करे बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तो फिर उसे समझाए कि मेरे रास्ते में आना बंद करे। ठीक है समझा दूंगी, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? ऐसे अनजान बन के हसन के सामने आती है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो, और हसन भी आंखें फोड़ फोड़ के उसे देख रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है फरीद, उसे अच्छी तरह पता है कि वो उमर की बेवा है, और मेहरबानों भी ये जानती है कि वो तुम्हारा मंगेतर है। अम्मी बिलाल भी जानता था। मैं तो सारी पैकिंग कर ली है, बस आप भी कर लीजिएगा। तो क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं आप? समीना ने आज बड़ी अजीब बात बताई है। क्या हुआ? वो कह रही थी कि मेहरबानों को कोई नफसियाती मसला है, वो अपनी ही चीजें घुमाकर अपने ही कमरे में ढूंढ ढांड कर बरामद करती है। बेटा ये कोई नफसियाती मसला है क्या?
क्या बातें कर रही हैं अम्मी आप? उस गरीब की हालत देखी आपने उमर की डेथ के बाद? नहीं, वो समीना कह रही थी कि उमर की जिंदगी में भी उसकी यही हालत थी जिसकी वजह से उमर बहुत परेशान था। पर समीना बता रही थी कि उसका एक्सीडेंट भी मोबाइल भूल जाने की वजह से हुआ है। अल्लाह का नाम ले अम्मी, उस बेचारे की मौत एक हादसा थी और उसकी मौत का इल्जाम उसकी बीवी को ठहरा। अम्मी इस मौजू पे बात मत करें प्लीज। लेकिन बेटा पैसे रखते हुए मुझे सिर्फ मेहरबानों ने देखा था और तो कोई नहीं था वहां। अगर वो पैसे मेहरबानों अपने कमरे में रख सकती है तो फरिया क्यों नहीं रख सकती? लेकिन फरिया तो कमरे में थी नहीं, तो फिर वो कैसे ले जा सकती है? अच्छा प्लीज मुझे आप ये बताइए कि आप सुबह मेरे साथ मुल्तान चल रही हैं या आप यहीं रुकेंगी? बेटा तुम मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? नाराज नहीं हो रहा हूँ मम्मी, सच बात कर रहा हूँ। ये आपकी मासूमियत है ना, किसी दिन इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा हमें। आप खाला की बातें ना सुने, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। बेटा वो मेरी बहन है और वो किसी का बुरा नहीं चाह सकती। नाइंसाफी, वक्त और हालात पत्थर के इंसान को भी बदल देते हैं और ये तो फिर भी खाला जान है। और हमेशा तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाहिए, मत भूलिए इस बात को। ये तो हमें बाद में पता चला कि मेहरबानों के बिलाल से भी ताल्लुकात रह चुके थे। भाभी सुबह से कमरे में बंद है, एक प्लेट खाने की बना के उनको दे। हाँ बेटा हसन ठीक ही तो कह रहा है। मैं को इसकी नौकरनी लगी हुई हूँ जिसको खाना दे दे के आऊं। आपको इतनी मोहब्बत है ना अपनी बहू से, खुद दें। आओ भाई बैठो। क्या देख रही हो? अरे क्या देखूंगी, अब तो किसी चीज में दिल ही नहीं लगता, किसी तरह वक्त नहीं गुजरता। बस ये लगाकर बैठ जाती हूँ कि जरा जहन बढ़ जाए। सच पूछो तो अगर फरी ना होती तो मैं उमर के साथ ही कुछ खा के मर गई होती। समीना, जवान बच्चे के मौत के बाद जिंदा रहने का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। समीना मैं समझ सकती हूँ तुम जिस तकलीफ से गुजर रही हो, मगर ये अल्लाह की आजमाइश है और इसे सबर से बर्दाश्त करना हमारा फर्ज है। समीना तुमसे एक बात पूछूं अगर बुरा ना मानो तो? कहो। मेहरबानों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात वैसे नहीं जैसे पहले थे, और तुमने जो कल रात मुझे बताया मुझे यकीन नहीं आता। मेहरबानों कितनी मासूम लगती है, वो ये सब कैसे कर सकती है? बस लोग जो बज़ाहिर बहुत मासूम नजर आते हैं उनकी मासूमियत के पीछे बहुत सी ज्यादतियां छुपी होती हैं। मेहरबानों असल में वैसी नहीं है जैसी नजर आती है। पहले उसने मेरे बेटे को फांसा, उस वक्त जब हम उसका रिश्ता फरी की दोस्त से तय कर चुके थे, और फिर एक सरसरी सी मुलाकात शादी तक पहुंच गई। तो क्या सड़क पे मुलाकात हुई थी? मैंने तुम्हें बताया था ना? हाँ लेकिन उस वक्त मैंने इतना गौर नहीं किया। तुम खुद सोचो, वो उमर जो किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, मुझसे कहता था कि जहां आप मेरी शादी करेंगे मैं वहीं करूंगा। उस लड़की से मिलते ही बदल गया और कहने लगा कि ये रिश्ता तोड़ दे, अब मुझे उससे शादी करनी है। और अब वो हसन के सामने मजलूम होने का नाटक रचा रही है ताकि उसे भी अपनी तरफ खींचे। यकीन नहीं आता कि मेहरबानों ऐसी हो सकती है। और उसके बाद तो उसने हद कर दी, फरी के नाम से मुझसे कहा कि वो बिलाल से शादी नहीं करनी चाहती,
शुक्र है कि मैंने अकल से काम लिया और फरी से पूछ लिया। वो बेचारी तो हक्का पक्का रह गई। उसके बाद उमर ने उसकी मंगनी का फैसला कर लिया। ये तो हमें बाद में पता चला कि मेहरबानों के बिलाल से भी ताल्लुकात रह चुके थे और जानती हो उन्होंने रिश्ता तोड़ते वक्त क्या कहा? उन्होंने कहा कि इद्दत के बाद बिलाल उससे निकाह करना चाहता है। अमीना, मेरे बच्चे को मरे हुए चंद दिन हुए थे, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था। हिद्दत में बैठी थी और उसका आशिक रिश्ता भेज रहा था। तुम सोच नहीं सकती मुझ पे क्या गुजरी। अल्लाह उसका वास्ता अच्छे लोगों से करवाए। मैं तुम्हें जबरदस्ती यकीन दिलाना नहीं चाहती, वक्त खुद ही तुम्हें सब कुछ बता देगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं और बिलाल, या अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। इतना बड़ा इल्जाम, देखिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अब क्या घुमा दिया इसने? अम्मी वो मेरी घड़ी, आपको पता है मैं तो इधर उधर रख के भूल जाता हूँ। वो वाली वॉच, वो तो आप बाहर सोफे में भूल गए थे, मैंने उठा के फ्रिज पे रख दी थी, लेके आऊं? ये सब परिया करा रही थी मेरे साथ, यानी ये उसका बचपना नहीं था, ये उसकी मेरे लिए नफरत थी। कहां जाऊं, मैं किसे बताऊं कि ये सब मैंने नहीं किया? मेरे साथ यहां कुछ भी हो सकता है। मैं अपने ही शोहर के घर में कितनी गैर महफूज हूं। हसन, शामी कबाब लो ना। शामी कबाब? तुम्हें पता है मुझे शामी कबाब बहुत पसंद है। पता है मुझे। खाला आपको कैसे लगे? बेटा बहुत मजे की। क्या बात है भाई, बड़ी सुगड़ होती जा रही है फरिया। हाँ, तुम जैसे लोगों की सोबत में रहूंगी तो सुगड़ हो ही जाऊंगी। और वैसे भी मुझे याद है कि तुम बचपन में खाला को बड़े मजे मजे के खाने बना के देते थे। अरे अब भी बना लेता है अगर टाइम हो इसके पास तो। मैं तो वैसे ही जोड़ों के दर्द से परेशान रहती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आजकल आराम है, इसलिए तो इतने चक्कर लगा लिए मैंने। अच्छा बस अब खुद को नजर मत लगाओ, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। अभी तो तुम्हें बेटे की शादी करनी है, बहू ब्याह कर लानी है। नहीं खाला जान, अभी नहीं, मैंने अम्मी से रिक्वेस्ट की है कि 3-4 साल मुझे आजाद रहने दें। अरे बेटा ये भला क्या बात हुई, हर माँ को अरमान होता है कि जल्द अज जल्द अपने बेटे के सर पे सेहरा देखे। बस अब तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए ताकि बहू आकर जरा अमीना की भी तो खिदमत करे। क्या पता इस बात का उलट हो जाए, अम्मी की खिदमत करने की बजाय अगर उसने अम्मी से खिदमत करवानी शुरू कर दी तो। अरे अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसी मैं सोच रहा था फरिया कि भाभी सुबह से कमरे में बंद है, एक प्लेट खाने की बना के उनको दे। हाँ बेटा, हसन ठीक ही तो कह रहा है, मेहरबानों के कमरे में उसे खाना दे आओ। मैं को इसकी नौकरनी लगी हुई हूँ जिसको खाना दे दे के आऊं। आपको इतनी मोहब्बत है ना अपनी बहू से, खुद दे। आप बस
भाभी को यहाँ से रफा दफा करें। जब तक वो इस घर में रहेगी ना, मेरा कुछ नहीं हो सकता। शायद तुम भूल रही हो, हम अगर इस घर में है ना तो उसकी वजह से। उसे निकालेंगे तो कल हम भी सड़क पे होंगे। आप लोग भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मैके के नाम पे आप ही का तो घर था मेरे पास, अब तो कुछ भी नहीं रहेगा। फरी के मंगेतर के साथ पता नहीं उसने क्या चक्कर चलाया कि वहां से रिश्ते से इनकार हो गया। स्ट्रेंज, हमें कुछ और दिखाई दे रहा है और ये लोग कुछ और कह रहे हैं। एमडी साहब ने उमर साहब के रिकॉर्ड तो देखते हुए ये कहा है कि अगर आप चाहें तो हम आपके घर में से किसी को जॉब पर रख सकते हैं। घर तो आपको हर हाल में खाली करना ही पड़ेगा, इसके लिए हम आपको मजीद टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, मैं अपनी बेटी से मैं जॉब करने को तैयार हूँ, आप मुझे जॉब दिलवा सकते हैं।